उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जनपद मुरादाबाद में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होकर पीलीकोटी स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सोनकपुर ओवरब्रिज सहित 424 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। हम यूपी में किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर भाजपा सरकार काम कर रही है। आज महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यूपी में बहु बेटियां अब सुरक्षित हैं। उधर विरोधियों को अपराध का राज पसंद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जनपद मुरादाबाद में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होकर एक जन सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने पीलीकोटी स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सोनकपुर ओवरब्रिज सहित 424 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर विधायक रितेश गुप्ता, मेयर विनोद अग्रवाल सहित पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह मौजूद रहे। योगी ने मंच से प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुरादाबाद के कारीगरों ने अपने हुनर के माध्यम से अपने मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसके बाद पहचान के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि देश की भी अपनी एक पहचान पर उसी का परिणाम है। घरेलू मार्केट हो या दुनिया के किसी भी बाजार में 30 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोडक्ट केवल और केवल मुरादाबाद होता है। ये उपलब्धि वास्तव में बहुत सकारात्मक संकेत है। शीघ्र उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन स्थान पर होगा और देश की नंबर इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। इसलिए मुरादाबाद में मैं आया हूँ। मुरादाबाद के कारीगरों में प्रतिभा है। अगर थोड़ा भी सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो पूरी दुनिया में यहाँ के कारीगरों का सम्मान होगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने 2014 में स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अमृत योजना को लागू किया गया, साथ ही सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का मुरादाबाद में गरीबों को लाभ मिल रहा है। प्रदेश में 45 लाख गरीबों को सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को सुविधा का लाभ प्रदान कर चुके हैं। सभी विभागों और समाज से जुड़े लोगों का आह्वान करता हूं कि देश को बेहतरीन तरीके से स्थापित करने के लिए जुड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ सभी जनपद के लोगों को बधाई देता हूं, हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास प्रकट करता हूं कि हम सब मिलकर मुरादाबाद को एक सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में योगदान देंगे। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सभी प्रबुद्ध जन, भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे पीपल की नगरी के रूप में विख्यात मुरादाबाद के आप सभी प्रबुद्ध जनों के विचारों को सुनने, जानने और 424 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इन सभी योजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मुरादाबाद के हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने हुनर के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसके माध्यम से, अपनी उस पहचान के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि देश की भी एक पहचान बनी। आज उसी का परिणाम है कि घरेलू मार्केट हो या दुनिया के किसी भी बाजार में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोडक्ट केवल और केवल मुरादाबाद का होता है। और यह उपलब्धि वास्तव में एक बहुत सकारात्मक संदेश है कि मुरादाबाद के अंदर पोटेंशियल है। थोड़ा भी सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाए तो वे पूरी दुनिया के अंदर छाने की सामर्थ्य रखते हैं और उस सामर्थ्य को यहाँ के कारीगर, यहाँ के हस्तशिल्पी आज इस रूप में उठाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम जब नगरीय जीवन की बात करते हैं तो नगरीय जीवन में सामान्यतः लोग आते हैं, जमीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीद करके या वहां पर बने हुए आवासीय सुविधाओं को लेकर के
वहां रहना प्रारंभ करते हैं। स्वाभाविक रूप से हर एक इच्छा होती है कि वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कनेक्टिविटी की अच्छी सुविधा से युक्त नगरीय जीवन जिए और उसके अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाए। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते हुए भार को ध्यान में रखकर के जो सुविधाएं विकसित होनी चाहिए थी उसका अभाव होने के कारण बहुत बार 5 वर्ष पहले तक ये देखने को मिलता था कि नगरीय जीवन अपने आप में एक चुनौती बन चुकी है, नारकीय हो चुकी है। उससे मुक्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा की थी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 नगरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर और 60 शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत चयन किया था, जिससे जनता की बुनियादी सुविधाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन प्रारंभिक 2.5 वर्ष प्रदेश में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पे कोई भी कार्य आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। कोई सुविधा जनता को नहीं दी गई। लोक कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमेशा उसमें बैरियर का काम किया। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के दौरान नगरीय जीवन को भी स्मार्ट जीवन के रूप में बदलने और जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया है आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अकेले मुरादाबाद नगर के अंदर आज नगरीय जीवन से जुड़े हुए 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इसका एक उदाहरण है, जिसमें ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो न केवल ITMS को, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को, बल्कि इसे सेफ सिटी के रूप में भी बनने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, आज इसका भी लोकार्पण का कार्य हो रहा है। पूरा मुरादाबाद शहर और फिर इसी तर्ज पर अन्य नगर निकायों को भी हम लोग CCTV कैमरे से आच्छादित करके न केवल ट्रैफिक सिग्नल ऑटो मोड पर कार्य करता हुआ दिखाई देगा, बल्कि अगर सिटी के अंदर किसी सौदे में किसी बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, किसी लुटेरे ने किसी व्यापारी के साथ छिनैती और लूट करने का प्रयास किया, किसी अपराधी ने किसी अपराधी घटना को अंजाम देना प्रारंभ किया, तो CCTV कैमरा उसके सारे कारनामों को कैद करके रखेगी और इस चौराहे पे घटना घटित होने की अगले चौराहे पर वह कहीं ढेर होता हुआ दिखाई देगा। यह ICCC एक सुरक्षा का, सेफ सिटी का एक मॉडल देने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये कार्य पहले भी हो सकते थे लेकिन पहले नहीं है। अकेले मुरादाबाद शहर में और मुरादाबाद ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 37,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना